फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने कि जियो और एसएम एप्लीकेशन को कैसे यूज करें। जब हम रिलायंस जियो में जियो कस्टमर एसोसिएट के जॉब को स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सर हमसे जियो कैरियर्स और जियो एफएसएम दो ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, जिसमें से जो हमें काम करना होता है वो है जियो एफएसएम ऐप पर। तो इस ऐप को हम कैसे यूज करते हैं, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जियो एफएसएम ऐप जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इंस्टॉल हो जाता है उसको हम ओपन करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हमको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, और यूज़र आईडी मिल गई है। अब हम पासवर्ड, हर दिन नया पासवर्ड आता है, सो हम उसमें का पासवर्ड डालेंगे। जिसमें पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड आया था, पासवर्ड उस दिन आता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। मेरा पासवर्ड है तो आप बिल्कुल चाहिएगा कि मैं कैसे भी दे बना रही हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके की स्क्रीन आई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है टोटल असाइनमेंट 207। तो यहाँ पर एक लोड नेक्स्ट लिखा आता है, तो हमें लोड नेक्स्ट जब तक करना है जब तक कि लोड नेक्स्ट हट नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ टोटल असाइनमेंट तो 207 है, लेकिन मुझे मिले हैं 102 यूनिट्स। जैसे यहाँ है 102 यूनिट्स। अब हमको देखना है कि हमको अपना काम कैसे करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम दिया गया है, सिलेक्ट प्रोग्राम में कॉल्स दी गई है। इसमें लिखा हुआ है रिचार्ज रिमाइंडर JCA5 स्टे कनेक्ट प्लस एंड रिचार्ज रिमाइंडर। तो इन कॉल्स को हमको कैसे कॉल करना है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टे कनेक्टेड प्लस से। तो स्टे कनेक्टेड प्लस हमारे पास अभी एक ही आई है, तो हम इसको कॉल करते हैं। तो जो हम कॉल कर लेंगे तो हमारे पास एक फीडबैक आएगा, उस फीडबैक को हमको कैसे उसकी एंट्री करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जियो की सिम्बल